हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगिता द एक्सप्लोरर। एंड आई एम योगिता। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइज, हम लोग कल देखा होगा आपने कि घर पहुंच गए हैं, और आज आते आते हम लोग फिर से जो है ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, छोटी सी डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं, और कहाँ जाएंगे वो मैं आपको अभी आगे चल के व्लॉग में बताऊंगी। एंड प्लीज़ दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और अभी घर आके जो है सबसे पहले सुबह का ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ मम्मी के हाथों का, और उसके बाद जो है हम लोग निकलेंगे। तो अभी फिलहाल पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बाय मम्मा। फूल दिखा, इनको फूल दिखाने के सुबह से बोल रही कि फूल दिखा मेरे। नाश्ता कैसा लगा बेटा? मैं कह रहा हूँ हर बाइट में सुकून था रे भाई। क्या क्या खाया नाश्ते में वो भी बता दो। एक हरी सब्जी जबरदस्त, तुम्हारे मम्मी के साथ समझो कि हाथ की फेवरेट है यार। हरी सब्जी अच्छी थी ना, जबरदस्त। और वो क्या खाया? भी बढ़िया थी यार। कौन सी थी? आम का। एक तो आलू और प्याज था नॉर्मली, और एक आम का क्या खाया वो? तुम्हारे मम्मी के हाथ में ना जादू है भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि टिफिन सेवा शुरू करने का, सप्लाई करवाने के लिए। और कुछ आम का वो भी बनाया था, कह रहे थे अमताओ के जिस टाइप से बोलते हैं, सब्जी टाइप की। बरातों में हम लोग टिफिन लेके जाते हैं यार इस बनाने के लिए। सुबह सुबह अभी पेट भर के जो इतना अच्छा नाश्ता कर लिया है, और अब हम लोग निकल रहे हैं। और कहाँ जाने वाले हैं ये वहाँ पहुँचने के बाद बताते हैं। लगभग ना 3000 रुपये होना चाहिए। तो गाइस, अभी हम लोग जो है रुद्रपुर पहुंच गए हैं, और हम लोग आज निकले थे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए, और जो कि हम लोग रुद्रपुर आए हुए थे महिंद्रा के वर्कशॉप में। और अभी हमें एग्जैक्टली इसका रास्ता पता नहीं है, और हमने अभी गूगल में डाला और उसने हमें किस जगह आगे छोड़ा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चारों तरफ मैदानी मैदान है, और इसने हमें यहाँ आके छोड़ा है। ये है महिंद्रा का शोरूम शायद। इसके अकॉर्डिंग हम पहुंच गए हैं, और अभी पीछे पूरे पूरे मैदानी मैदान है इधर साइड में। भारतीय खाद्य निगम। अब हम कैसे पहुंचेंगे? किसी से पूछ के? ओके, तो अब गूगल नहीं, हम किसी से पूछ कर हेल्प कर लेंगे। भैया महिंद्रा वाला शोरूम किधर है? मिल गया फाइनली। हमने लोकल किसी से पता किया था, और उन्होंने हमें एडवाइस किया है, उसके थ्रू हम लोग जो है यहाँ पे पहुंच गए हैं। इसलिए गूगल मैप के भरोसे पूरा पूरा ना चले आप लोग भी। अभी हमें जो है शोरूम तो मिल गया है, अभी नीरू गए हैं रिसेप्शन वगैरह में पता करने के लिए, और आज हम थोड़ी गाड़ी की सर्विसिंग करवा रहे थे ताकि थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करें हमें। और उसके बाद हम लोग जो है कहीं और भी निकलेंगे, तो मैं आपको बताते रहूँगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड तो करा नहीं है वैसे। और लिटरली बता रही हूँ, यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हद से पार वाली गर्मी लग रही है। पहाड़ों में इतना अच्छा हो रहा था, सब लोग आजकल जो है प्लेन से पहाड़ की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं, हम लोग जो है अपोजिट ही कर रहे हैं कि हम लोग जो है पहाड़ से इधर आए। वैसे हम लोगों को कुछ काम भी था, मतलब नीरू को मेनली काम था, और मुझे फिर ऐसा हुआ कि मम्मा लोगों से भी मिल लेंगे, तो इसीलिए मैं भी उनके साथ चली आई। थोड़ा मम्मी लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेंगे, और हम लोगों ने प्लान वगैरह भी बनाया कि कहीं जाएंगे भी मम्मा के साथ। कुन्नू तो नहीं आ पाया क्योंकि कुन्नू वहीं रहा, उसको कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी थी अपनी, तो वो वहीं कर रहा है, तो इसीलिए मम्मा के साथ चलेंगे घूमने के लिए। मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, और स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। और अभी फिलहाल सर्विसिंग करा के हम लोग निकलते हैं कहीं और, अभी गाड़ी हम लोग जो है यहीं पे छोड़ देंगे, और अभी जो है रजत भैया लोग आएंगे हमें रिसीव करने के लिए, फिर हम उन्हीं के साथ जाएंगे, और फिर देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। नहीं, ये वाली आवाज़ ये कट।
था एक लॉक स्प्रिंग का, और इधर को घुमाइए मेजर को, इधर को इधर को तो नहीं करता, अब करिए उधर को, ये देखिए एक दो लॉक चला, तीन कोई तीन दस कोई है, ये जिस दिन हॉर्न या एयरबैग की लाइट आ जाएगी इसमें होता पता ही होता है ऐसे टाइम। अच्छा तीन राउंड इधर होता है, तीन राउंड इधर होता है। अच्छा तो बस ये इसका जो कनेक्शन है ये सारे अंदर इंजन के लिए देने। अच्छा ऐसे कोई दिक्कत So guys, अभी वो सर आए थे, उन्होंने चेक कर लिया है थोड़ा बहुत, मतलब हैंडल घुमाने में कुछ आवाज टाइप की आती कट कट वाली, तो वो अभी वो बोल रहे हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अभी नीरू अंदर गए हुए हैं, बट गर्मी बहुत ज्यादा, अभी दो सेकंड के लिए मैं बाहर आगे से पीछे आई, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। सो प्लीज अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहना, मैंने भी पानी मंगवाया क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है मुझे। थैंक यू, पानी की बॉटल्स मिल चुकी है। महिंद्रा की ओर से बड़ा भी कपड़ों मिल गया, महिंद्रा की ओर से चीयर्स। गुड मॉर्निंग, प्रियांशु नहीं है आपके साथ? प्रियांशु नहीं है यहाँ? So guys, अभी फाइनली हम लोग जो है शोरूम से बाहर आ गए हैं, और अभी हमें गाड़ी जो है दो तीन दिनों के लिए यहीं छोड़नी पड़ रही है क्योंकि उसके गियर से रिलेटेड उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से हमें उसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। और अभी जो है रजत भैया आ गए हैं हमें लेने के लिए, तो हम इनके साथ अब निकल रहे हैं घर की तरफ को, या पता नहीं कुछ खाने पीने के लिए जाए तो ठीक है। अभी शोरूम से बाहर निकलकर हम लोग आए हैं एक बोर्ड लेने के लिए, जो कि आपको नीरू के हाथ में दिख रहा होगा। और ये बोर्ड किस चीज़ के लिए है वो भी आपको आगे चल के पता लगेगा, ये सरप्राइज। छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पंजाबी हांडी में कुछ खाने पीने का ट्राई करने के लिए। रुद्रपुर से निकल के हम लोग एक ग्रॉसरी शॉप पे आए ताकि थोड़ा बहुत सामान ले लूँ, मम्मा के लिए भी जूसेस वगैरह भी ले लें क्योंकि गर्मी बहुत है, तो अभी वो परचेस कर लेते हैं पहले। सो गाइस, अभी फाइनली मैं जो है घर पहुंच गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, और जो सामान मम्मी के लिए लेकर आए हैं वो सामान भी दे दिया मम्मी को, अभी दिखाती हूँ मैं। सो मम्मी ने पूरी दुकान खोल ली है, इतने सारे जूस लेकर आए हैं मम्मा के लिए, हॉर्लिक्स लेकर आए हैं, नमकीन मम्मा की फेवरेट जो थी वो लेकर आए हैं, और ये मुझे पसंद है, और बाकी मम्मी का सामान। कैसा लगा मम्मी आपको सामान? अच्छा, एक गोल-गोल गोंडी इतना बड़ा पार्टी देखिए, खुश हो गए? अच्छा था। तो मम्मी के लिए हम सारा सामान लेकर आ गए अभी, बढ़िया हो गया, दूसरों से बनाने के लिए अच्छा हो गया। तो इसी बात पे मम्मा हो गई है बहुत ज्यादा खुश, थैंक यू भी बोल रही है। और आप इस ब्लॉग की मैं एंडिंग यहीं पे करती हूँ, और मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।